अब रुख करते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी की शिक्षा जगत की खबरों की ओर। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल विराटखंड गोमती नगर में नवनिर्मित वातानुकूलित कंप्यूटर लैब, वातानुकूलित लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, शौचालय ब्लॉक्स का उद्घाटन उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक द्वारा किया गया। महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल विराटखंड गोमती नगर के प्रांगण में अध्यक्ष आशीष कुमार अग्रवाल, मंत्री राजीव अग्रवाल, कोषाध्यक्ष अंकुर अग्रवाल व प्रधानाचार्य सी के चौधरी के नेतृत्व में नवनिर्मित वातानुकूलित कंप्यूटर लैब, वातानुकूलित लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब और शौचालय ब्लॉक्स का उद्घाटन किया गया। इस दौरान इस समारोह में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। ये डालते विशेष संवाददाता अर्चना कश्यप की एक रिपोर्ट पर नजर। नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम्स आपको दिखाता है कि लखनऊ में क्या खास हो रहा है। इस समय हम लोग गोमती नगर के महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल में है, जहां पर आज एक उद्घाटन समारोह रखा गया है। बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए जिस तरीके से महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल हर तरीके का प्रोग्राम कराते रहता है और हर तरीके के लिए यहाँ पे सुविधाएं प्रोवाइड करता है, तो यहाँ उद्घाटन हुए हैं और किन चीज़ों को लेकर उद्घाटन समारोह रखा गया है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री थोड़ी देर में यहाँ पे आएंगे, जो उद्घाटन समारोह में यहाँ पे कंप्यूटर लैब का उद्घाटन करेंगे और बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए वो क्या कहते हैं उनसे हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो उद्घाटन करे गए हैं, कुछ लैबों के उद्घाटन करे गए हैं, तो यहाँ पे हमारे साथ में बहुत सारे लोग हैं, तो उनसे हम बात करेंगे जो महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल को लेकर के जो अब तैयारी है और बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ जो उद्घाटन समारोह रखा गया, तो उसके बारे में क्या कहेंगे। आपका क्या नाम है सर? मैं राजेंद्र कुमार अग्रवाल, इससे अग्रवाल शिक्षा संस्थान, जिसके द्वारा लखनऊ शहर के अंदर 5 स्कूल विद्यालय चलाए जा रहे हैं, उसकी इकाई का पूर्वाध्यक्ष हूँ। आज हम लोग महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल गोमती नगर की शाखा के अंदर जो दिन भर गतिविधियाँ होती हैं उसके अंदर निरंतर प्रगति करते हुए कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब के आधुनिकीकरण के उद्घाटन के रूप में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, जिसका उद्घाटन अभी माननीय ब्रजेश पाठक जी डिप्टी सी हमारे बीच 5 मिनट के अंदर आने वाले हैं, वो करेंगे। केमिस्ट्री लैब का उद्घाटन हमारी संस्थान के वर्तमान अध्यक्ष श्री सुरेश कुमार अग्रवाल के करकमलों द्वारा हो चुका है, अभी जैसा आप देख रही हैं विद्यालय के प्रांगण में। इस विद्यालय को नित्य दिन पर दिन दिनों दिन आधुनिकीकरण की ओर ले जाया जा रहा है, क्योंकि शिक्षा जगत के अंदर जिस तेज़ी से विस्तार हो रहा है, जिस तेज़ी से प्रगति हो रही है और बच्चों को जिन आधुनिक उपकरणों की आवश्यकता है, संस्था का उद्देश्य है कि बच्चों को आधुनिक शिक्षा की ओर ले जाया जाए और उनको जरूरत के मुताबिक आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित किया जाए और उनको प्रशिक्षित किया जाए। क्योंकि जब तक हमारी शिक्षा मजबूत नहीं होगी, हमारी नींव मजबूत नहीं, तो हम बड़ी इमारतों का निर्माण नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, ये तो निश्चित है कि शिक्षा ही आधार है, इस देश का भविष्य है और जिन बच्चों को शिक्षा का दायित्व इस संस्थान ले रखा है उनको हम तैयार करके आगे देश के भविष्य की बागडोर सौंपना चाहते हैं। और निश्चित रूप में विश्वास है कि हमारे विद्यालय वे छात्र जो पढ़कर निकलेंगे वो आगे जाकर बड़ी बड़ी पोस्टों पर, बड़ी बड़ी जगह पर काम करेंगे और देश के विकास में अपना योगदान करेंगे। आज किन किन चीज़ों का उद्घाटन किया गया? आज यहाँ पर कंप्यूटर लैब है, लाइब्रेरी है, केमिस्ट्री लैब है और कुछ हमारे यहाँ प्रसाधन नए नए बनाए गए हैं बच्चों के लिए, लेडीज़ के लिए अलग, बॉयज़ के लिए अलग, उनका सबका उद्घाटन किया गया है यहाँ पर। तो हमारे साथ में सुरेश अग्रवाल जी भी, उनसे हम बात करेंगे कि आज जो उद्घाटन समारोह करा गया है महाराजा अग्रसेन पब्लिक कॉलेज में, तो उसके बारे में क्या कहेंगे। आपका स्वागत है। धन्यवाद। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आज जो हम कार्यक्रम कर रहे हैं, जैसा कि हमारे पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र अग्रवाल जी ने बताया, हमें अपने भविष्य बच्चों के लिए जो भी हम नवीनीकरण विकास के लिए लाइब्रेरी है, केमिस्ट्री रूम है, कंप्यूटर रूम है, टॉयलेट्स हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उच्च शिक्षा और अच्छी शिक्षा बच्चों को देख सके, क्योंकि उनको आगे विकास उनका हो सके। सर, एक सवाल हम और पूछेंगे, जिस तरीके से पढ़ाई महंगी हो रही है, लेकिन कुछ आप लोगों के द्वारा ऐसा कुछ है, जैसे कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनकी योग्यता बहुत हो लेकिन उनके पास जैसे कि आर्थिक व्यवस्था थोड़ा कम हो, तो ऐसे बच्चों के लिए कुछ सुविधाएं हैं? हाँ, ऐसी सुविधा हम करते हैं, अगर हम समझते हैं, उसका पेरेंट्स आते हैं और उनकी हम
असुविधा को देखते हुए जो भी मदद हम कर सकते हैं हम जरूर करते हैं। हमारे ये अग्रवाल शिक्षा संस्थान सिर्फ अग्रवालों को ना लेकर के जिस समाज के भी बच्चे यहाँ पढ़ते हैं हम सब उनको शिक्षा देने में तैयार रहते हैं और जिस बच्चे को जो भी मदद चाहिए वो करने को तैयार। कंप्यूटर क्षेत्र में टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बच्चे को ज़्यादा इंटरेस्ट लेते और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, जब आप जैसे लोग उनका सपोर्ट करेंगे और हौसला बुलंद करेंगे तो उनको आगे बढ़ने में और ऊर्जा प्रदान। ये इस बात को मैं पूर्ण सत्यता है, हम चाहते हैं कि बच्चे हमारे आगे निकलें और अपना जीवन में बहुत दाम करें, अपने माँ बाप की सेवा करें, अपने गुरुओं की सेवा करें और अपने देश की सेवा करें। सर हम आपसे एक सवाल और करेंगे, जैसे आपने बताया आपके कई स्कूल यहाँ चलते हैं लखनऊ में, तो जैसे मैंने सर से बोला तो सभी स्कूलों को लेकर कुछ ऐसी व्यवस्था करी है? सभी स्कूलों, सबसे बड़ी बात यह, आप हमारे यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए और हमारे यहाँ का फीस स्ट्रक्चर देखिए आप, हम बहुत कम फीस में बहुत अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा देने का प्रयास करते हैं। दूसरी बात, तमाम बड़े बड़े स्कूल 10,000-10,000 रुपये 5,000-5,000 रुपये 1,000 रुपये के फार्म बेचते हैं और 1,000 फार्म बेचकर उनमें से 50 बच्चों को चयनित करके नर्सरी में एडमिशन लेते हैं और चुने हुए बच्चों को अच्छी अगर फर्स्ट क्लास फर्स्ट निकालते हैं तो कौन बड़ी बात है। हम बच्चों का टेस्ट जरूर लेते हैं एडमिशन के समय, लेकिन उनको निराश नहीं करते हैं, गार्जियन को, हम सबका एडमिशन लेते हैं। टेस्ट इसलिए लेते हैं कि उन बच्चों में कितनी योग्यता है और अगर बच्चा कमज़ोर है तो उसकी शिक्षा के लिए विशेष ध्यान दिया जाता है, एक्स्ट्रा क्लासेस लगाए जाते हैं और बाद में उन बच्चों के विशेष ध्यान देते हैं और उन कमज़ोर बच्चों को हम फर्स्ट क्लास फर्स्ट निकालने का काम करते हैं, ये हमारी प्राथमिकता है। यानी कि आपका महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल जो है बच्चों को मोटिवेट करता है, डीमोटिवेट? बिल्कुल बिल्कुल मोटिवेट करता है, हमारी सभी शाखाएँ इस ओर काम कर रही हैं। और अभी आपने एक प्रश्न किया कि बहुत गरीब बच्चे जो आगे चलकर शिक्षा चूँकि महंगी है, इंटर के बाद जो शिक्षा है वो महंगी है, तो उसके लिए अगर कोई बहुत गरीब बच्चा है तो हमारे समाज के तमाम लोग अपना हाथ उठाए खड़े हुए हैं, उनको हाथों हाथ गोद लेते हैं और उनकी शिक्षा का इंतजाम करते हैं। इसका उदाहरण हमारे देश के जो पूर्व राष्ट्रपति थे अब्दुल कलाम जी, वो सबसे बड़ा उदाहरण है। बिल्कुल, हम उन्हीं के अनुसरण कर रहे हैं, हमारा समाज उन्हीं का अनुसरण कर रहा है। और देखिए, हम तो अग्रवाल समाज महाराजा कृष्ण जी के वंशज हैं और उन्होंने समाज को कुछ न कुछ देने का काम किया है और उन्हीं के आधार पर हम चल रहे हैं, हमारा समाज चल रहा है। महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल गोमती नगर के नवीनीकृत भवन के शुभारंभ एवं स्कूल द्वारा आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय योगराम अग्रवाल जी, आदरणीय सुधीर हलवासिया जी, आदरणीय जगदीश अग्रवाल जी, आदरणीय अंकुर अग्रवाल जी, आदरणीय राजेंद्र अग्रवाल जी, आदरणीय सुरेश अग्रवाल जी, आदरणीय विनोद सिंघल जी, आदरणीय आशीष अग्रवाल जी, उपस्थित सभी हमारे भाइयों तथा बहनों, अग्रसेन कॉलेज शिक्षा के क्षेत्र में कोई नया नाम नहीं है, वर्षों से दशकों से हम लोग नाम सुनते आए हैं। किसी भी संस्था को चलाना और उसको आगे लगातार बढ़ाना, अगर किसी से सीखना है तो महाराजा अग्रसेन स्कूल की सोसाइटी हम सीख सकते हैं। मोतीनगर वाला कॉलेज बहुत पुराना है और वहां से निकल करके जिस ढंग से गोमतीनगर जानकीपुरम लगातार शिक्षा के क्षेत्र में विस्तार देने का काम महाराजा अग्रसेन सोसाइटी कर रही है, मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और जितने भी हमारे साथी इस कार्यक्रम से जुड़े हैं सभी लोग हमारे परिवार के सदस्य हैं, तो मैं जब यहाँ आता हूं तो वास्तव में मुझे अच्छा लगता है। और आप लोगों ने उच्च कोटि की शिक्षा के केंद्र के रूप में डेवलप किया है, जहां बहुत महंगी फीस होती है उन विद्यालयों से भी अच्छी सुविधाएं आप यहाँ दे रहे हैं। अभी हमने कंप्यूटर सेक्शन आपका देखा, इतनी बड़ी संख्या में कंप्यूटर और सुव्यवस्थित ढंग से वातानुकूलित कक्ष बनाकर आपने लगाए हैं, मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और आपकी लाइब्रेरी भी देखिए जिसका आज उद्घाटन हुआ है, मैं
पूरी तरह से आपके साथ हूं और विद्यालय के विस्तार के लिए और नए कैंपस बनाने के लिए आप जो भी आदेश देंगे हम कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ रहेंगे। और मुझे लगता है जिस तरह से शिक्षा का व्यवसायीकरण हो रहा है आपने उसको भी कमजोर करने का काम किया है। बहुत ही मिनिमम फीस लेकर के विद्यालय का संचालन करना और उच्च कोटि की शिक्षा प्रदान करना मैं बहुत बहुत अभिनंदनीय कार्य मानता हूं और अपनी शिक्षक बहनों को शिक्षिकाओं को सबको बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छी शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। धन्यवाद। जो अगर उद्घाटन समारोह हुआ बच्चों की उन्नति भव्य लाइब्रेरी और कंप्यूटर कक्ष बनाया गया है। मैं अग्रवाल शिक्षा समिति को बहुत बहुत बधाइयां देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। उच्च कोटि की शिक्षा सुव्यवस्थित तो कम फीस में बहुत अभिनंदनीय कार्य है। तो जिस तरीके से हम आज आपको दिखा रहे हैं गोमती नगर के महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल में बच्चों का हौसला बुलंद करने के लिए यहाँ पे एक नए कक्ष की उद्घाटन हुआ, कुछ अब कंप्यूटर लैब का उद्घाटन हुआ है, लाइब्रेरी का उद्घाटन हुआ है। इसका उद्घाटन हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक के कल कमरों से हुआ है। वो यहाँ पे आए थे, उन्होंने बच्चों का हौसला बुलंद करा और महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल और अच्छा कार्य करे उनके लिए पूरा योगदान देने के लिए बात करा। तो हमारे साथ में यहाँ के अध्यक्ष यानी कि महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल के अध्यक्ष आशीष अग्रवाल जी हैं। तो बच्चों का हौसला बुलंद करने के लिए और बच्चों को और अच्छी तैयारी के लिए तैयार करने के लिए वो क्या कहना चाहेंगे? सर आपका स्वागत। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद रचना जी कि आपने अपना वक्त दिया। देखिए जैसा कि आपने बताया कि अभी अपने स्कूल में श्री बृजेश पाठक जी उप मुख्यमंत्री जी ने जो है नवीनीकृत वातानुकूलित कंप्यूटर लैब, वातानुकूलित लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, अपनी केमिस्ट्री लैब और टॉयलेट ब्लॉक का उद्घाटन किया है। ये चारों चीज़ें हमने इस तरह से बनवाई हैं कि लखनऊ के प्रतिष्ठित स्कूलों में या दिल्ली के जो प्रतिष्ठित स्कूल हैं उनके समकक्ष ये इन सिम का हमने निर्माण किया है। बच्चों को अच्छे वातावरण में पढ़ाई का माहौल दें, उनको अच्छी शिक्षा देने का कंप्यूटर्स, केमिस्ट्री लैब, लाइब्रेरी ये सब दें और बहुत ही कम फीस में हम ये सारी सुविधाएँ बच्चों को उपलब्ध कराते हैं। और आज की तारीख में हमारे स्कूल में 1000 बच्चे हैं। ये हमारा विद्यालय CBSE एफिलेटेड है, इंग्लिश मीडियम स्कूल है और बच्चों का जो हमारा जो अभी पिछला रिजल्ट भी बहुत ही अच्छा आया है। हमारे स्कूल में अगर कोई निर्धन बच्चा आता है और हम लोग उसकी जांच करते हैं और अगर कोई इस तरह का बच्चा आता है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उनको फीस में कंसेशन दें। किसी भी बच्चे को कि फीस ना देने की वजह से उस पढ़ाई से वंचित ना रहे। हमारा एम ये है कि कोई भी बच्चा फीस ना देने की वजह से वंचित ना रहे। जो भी हम लोग अपनी कमेटी हमारी जो पास करती है वो उनको हम डिस्काउंट पास करते हैं और RTE के तहत जो भी बच्चे आते हैं उनका भी हम लोग दाखिला लेते हैं। ये तो आपकी अच्छी शुरुआत है, साथ में आपका प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक जी ने भी आप लोगों को एक वादा किया कि जितना भी हो सकेगा वो आप अपनी तरफ से योगदान करेंगे। इसके लिए हम अपने माननीय उप मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। उन्होंने ये कहा है कि अगर आप लोग और विस्तार करेंगे और भी स्कूल बनाना चाहेंगे उसमें प्रदेश सरकार आपको पूर्ण सहयोग देगी, इसके लिए उनको हम अपना हृदय से आभार व्यक्त करना चाहते हैं। तो हमारे साथ में महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल के मंत्री हैं राजीव अग्रवाल जी, तो उनसे हम बात करेंगे। जिस तरीके से अभी तक हमने आपको दिखाया कि बच्चों की प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे यहाँ पे कक्षों का उद्घाटन हुआ है, तो बच्चों की जो प्रतिभा है टेक्नोलॉजी को लेकर के तो उसकी क्या तैयारी है? आपका स्वागत। नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से ही हमने अपने यहाँ 40 नए कंप्यूटर लिए हैं क्योंकि हमारे कंप्यूटर जो पुराने पड़ गए और कंप्यूटर अब चेंज होते जाते हैं, तो नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो अब लेटेस्ट वर्जन है विंडो 10 का वो हमने लिया है। और हमने इसके लिए 2 टीचर्स नए अपॉइंट किए हैं कंप्यूटर के ही जो हैं, जिसमें MCA हैं और उन्होंने टेक्निकल की डिग्री ली हुई है और इसलिए ही लिया है कि हमारे बच्चों को कमी पड़ रही थी कंप्यूटर की और हमारी संख्या चूँकि पिछले साल बढ़ गई है काफ़ी बच्चों की, तो उसी के हिसाब से हमने कंप्यूटर प्रोविज़न दिया है कि एयर कंडीशन अच्छे माहौल में जो कि शायद लखनऊ के बड़े बड़े स्कूलों में भी जो अपने को कहते हैं उसमें भी नहीं होगी फैसिलिटी, वो फैसिलिटी हम देना चाह रहे हैं बच्चों को और दे रहे हैं। क्योंकि सर जी कंपटीशन का ज़माना होता है, अगर बच्चे कंपटीशन करेंगे तो कंपटीशन में भाग लेकर के वो आगे से आगे बढ़ सकेंगे। हमारा यही मानना है कि प्रतिभा को कभी भी आर्थिक कमी की वजह से आगे बढ़ने में ना रुकावट हो,
तो हमारा स्कूल उसी उद्देश्य को ध्यान रख के और हमारी अग्रवाल शिक्षा संस्थान की हम मिनिमम फीस में, जिसमें कि हमारे खर्चे निकल जाएँ, हमारे स्टाफ को तनख्वाह अच्छी मिल जाए, हमारा मेंटेनेंस होता रहे और जो भी एक्स्ट्रा इनकम होती है वो हम स्कूल में ही लगाते हैं, जैसे कि इस रूप में। और हमारी ये है कि हमारे बच्चे कभी भी प्रगति में किसी अन्य स्कूलों से पिछड़े नहीं टेक्नोलॉजिकली, क्योंकि आजकल अभी शुरुआत से ही हम लोगों को पूरी तैयारी बच्चों को देनी पड़ती है। और आजकल बच्चे का केवल पढ़ाई का ही नहीं होता है, आजकल के ज़माने में मल्टीटास्किंग होना ज़रूरी है। बच्चे को पढ़ाई के साथ और फील्ड्स का भी ज्ञान रहना चाहिए, स्पोर्ट्स का भी ध्यान रहना चाहिए। हमने इसके लिए एक लेडी स्पोर्ट्स टीचर भी अपॉइंट की है, एक जेंट्स टीचर भी है, और बच्चे यूपी के लेवल के शतरंज की में, खो खो में, कई चीज़ों में भाग लिया और उसमें प्राइज़ भी लाए हैं। और उन्हें हम कहीं भी अगर ज़रूरत होती है तो पैसे की वजह से हमारे यहाँ कभी भी कोई रुकावट नहीं होती है, क्योंकि आजकल जो सर ऑनलाइन का ज़्यादा जमाना है तो कंप्यूटर पे वो ऐसी चीज़ें सीख पाएंगे जिससे वो आगे आगे बढ़ने में उनको बहुत ही लाभ। बिल्कुल, हमारे यहाँ जो है हमने इसलिए प्रोजेक्टर लगाया है, जैसे कि टीचर सारे बच्चों को एक साथ प्रोजेक्टर के माध्यम से एजुकेशन दे सके। कंप्यूटर की वाईफाई है, उसमें इंटरनेट की सुविधा भी है, तो बच्चों को लेटेस्ट डिजाइन है, लेटेस्ट जानकारी है, वो टीचर्स के माध्यम से मिलती रहे और बच्चे दुरुपयोग ना करें, इसलिए हमने इंटरनेट का लॉक बच्चों के में लगा रखा है, जो सेंट्रलाइज्ड है, वो जब मैडम चाहेंगी, टीचर जब चाहेंगे उनके, तभी खुलेगा। तो इस समय हम लोग महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल में गोमती नगर में, जहाँ पे आप हमारे पीछे देख रहे होंगे, यहाँ पे आज उद्घाटन हुआ है, उद्घाटन कंप्यूटर लैब का हुआ है, यहाँ पे केमिस्ट्री लैब का हुआ है। तो हमारे साथ में प्रिंसिपल मैम है यहाँ की, तो उनसे हम बात करेंगे कि कुल मिलाकर के कितने कंप्यूटर बच्चों को दिए जा रहे हैं इस्तेमाल करने के लिए और क्या क्या सुविधाएं दी जा रही बच्चों के लिए। तो हमारे साथ में प्रिंसिपल मैम है महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल की, तो पहले हम उनसे बात करेंगे बच्चों के लिए क्या क्या सुविधाएं। मैम आपका स्वागत है। धन्यवाद अर्चना जी आपके लिए कि आप हमारे विद्यालय के प्रांगण में आए और आपने आज का जो मीडिया कवरेज किया है। आज हमारे कंप्यूटर लैब जो है, इसमें जितने हमारे देख रहे हैं आप 25 कंप्यूटर जो हैं बच्चों के लिए लाए गए हैं, क्योंकि आजकल जो एजुकेशन है वो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा डिपेंडेंट हो गई है, इसीलिए हमने चाहा कि हम बच्चों के लिए अच्छे कंप्यूटर्स का इंतज़ाम करें जिसमें अच्छे सॉफ्टवेयर हैं। बच्चे हमारे 12वीं तक के जो पढ़ते हैं, जिन्होंने कंप्यूटर साइंस लिया गया है और वो कंप्यूटर का जो है इसमें जितने भी उनके सिलेबस से रिलेटेड जो भी इनके टॉपिक हैं इस कंप्यूटर में, वो आके प्रैक्टिकल करते हैं और कंप्यूटर को आगे और अच्छे तरीके से सीखते हैं। किन क्लासों को ये मौका मिलेगा इस्तेमाल करने के लिए? मैम ये क्लास कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक, यहाँ तक कि प्री प्राइमरी के बच्चे भी आके पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर समझेंगे और देखेंगे। हम हर एक क्लास को हम यहाँ पे मौका देते हैं कि वो आके कंप्यूटर को प्रैक्टिकल यहाँ पे सीखें और करें। तो केमिस्ट्री लैब की तरफ भी हम लेके चलेंगे आपको। महाराज अग्रसेन पब्लिक स्कूल गोमती नगर में डिफरेंट स्ट्रीम्स हैं, जिसमें से साइंस स्ट्रीम में केमिस्ट्री जो है वो बच्चों को पढ़ाई जाती है और बच्चों को हम केमिस्ट्री थ्योरी ही नहीं, हम उनको प्रैक्टिकल्स भी यहाँ पे टाइम टू टाइम करवाते हैं। आप जैसे मेरे पीछे देख रहे हैं, काफ़ी अलग अलग एसिड्स हैं, अलग अलग इसमें जो रसायन पदार्थ रखे गए हैं, जिससे बच्चे प्रैक्टिकल्स करते हैं और प्रैक्टिकल करके जो है वो काफ़ी कुछ अच्छा केमिस्ट्री में सीखते हैं और सारी सुविधाएँ हम उनको यहाँ देते हैं। और हमने केमिस्ट्री लैब को वातानुकूलित ना करके हमने फैंस लगाए हैं, जिससे कि यहाँ पे किसी भी प्रकार के हादसा को होने से हम रोक सकते हैं। बहुत अच्छी सुविधा है मैम आपने दी है। तो आज हम लोग आए थे गोमती नगर के महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल में, जहाँ पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक जी के द्वारा यहाँ पे उद्घाटन किया गया, लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया, केमिस्ट्री लैब का उद्घाटन किया गया और कंप्यूटर लैब का भी उद्घाटन किया गया। यहाँ के जो प्रेसिडेंट थे आशीष अग्रवाल जी, तो उनसे भी हमने बात करी, यहाँ के जो मंत्री थे उनसे भी हमने राजीव अग्रवाल जी से बात के साथ में हमारे साथ में यहाँ की प्रिंसिपल मैम थी सीके चौधरी जी, जिनकी विचारधारा आपने सुनी, जो बच्चों के लिए और बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए यहाँ पे उन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट का लॉन्च किया हुआ है और बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए और उनका हौसला बुलंद करने के लिए यहाँ पे उपस्थित थे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक जी भी यहाँ थे, जिन्होंने वादा किया है कि बच्चों के लिए और महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल के लिए वो आगे से आगे अपने कंधे से कंधा मिलाकर के चलते रहेंगे। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे जानना चाहूंगी, धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज चैनल के साथ। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना।